अभी मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुनील से बात हुई, 18 के अभी मरने की संख्या हो गई है और इसके साथ साथ कई अभी विक्टिम्स बहुत क्रिटिकल पोजीशन में हैं। तो यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनका मतलब जो बहुत क्रिटिकल हैं उनके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो सबसे और भी चिंता वाली बात है कि आज कुछ लोग सुबह 5 बजे जब अपने घर जा रहे थे काम से, तो उनको घोंडा के चौक पर रोककर बहुत बुरी तरह कुछ गैंग्स ने उनका धर्म को पूछकर उनको बहुत बुरी तरह उनको मारा और आज वो भी आए हैं। इसका मतलब ये है कि कर्फ्यू के बावजूद भी अभी भी कुछ इधर उधर घटनाएं हो रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि अमित शाह जो कह रहे हैं ये सब स्वतस्फूर्त है, ये कतई स्वतस्फूर्त नहीं है। जब पुलिस की कर्फ्यू है तब कैसे ये घटना घट रही है? तो ये बहुत गंभीर बात है और तुरंत होम मिनिस्टर को और डिटेल मॉनिटरिंग करके पता लगाना चाहिए कि अभी भी क्यों इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। हम चाहते हैं शांति हो, हम चाहते हैं सद्भाव हो। आज दिल्ली जल रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट, लेकिन कंप्लेसेंसी जो वो दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कल भी बोल रहे थे सब कुछ ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं समझती हूँ कि आज भी जो घटना घटी है उसके संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिए और तुरंत वहाँ पुलिस और फौज को वहाँ भेजना चाहिए। नफरत फैलाने वालों का जो बीज बोए हैं उसी का आज दिल्ली की जनता, उसी का जो है वो फल, जो जहर का फल है, उसको अभी बर्दाश्त करने की अभी मजबूरी हो गई है। तो ये शेमफुल है कि ऐसे पोजीशन में इस प्रकार के लीडर्स अब भी जहर फैलाने वाले बातें कर रहे हैं। शर्म नहीं आई? देश की राजधानी जल रहा है, देश की राजधानी में इतने लोग मारे गए, 150 लोग यहाँ घायल हुए और फिर भी वो जहर फैला रहे हैं।